नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार्यक्रम पर रोज में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बुलेरो के ABS मॉडल की TUV300O फेसलिफ्ट और TUV300O प्लस के साथ तुलना। दोस्तों कुछ ही दिन पहले महिंद्रा ने ABS, एक एयरबैग और पार्किंग सेंसर वाली बुलेरो मार्केट में लॉन्च कर दी, लेकिन सिर्फ पावर प्लस मोड यानी कि छोटे 1500 cc इंजन वाले बुलेरो। इसका मतलब 2500 cc इंजन वाली बुलेरो अब बंद हो गई है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको बड़ा इंजन चाहिए तो महिंद्रा के पास 2200 cc वाला TUV प्लस आज उपलब्ध है। इतना ही नहीं, बुलेरो पावर प्लस से 30 HP ज़्यादा पावर देने वाली छोटी TUV भी उपलब्ध है। तो दोस्तों अब बड़े इंजन वाली बुलेरो बंद होने के बाद TUV खरीदना बेहतर पर्याय तो नहीं होगा? यह जानने के लिए देखते रहिए कार कंपेरोज का TUV विज बुलेरो ABS कंपेरिजन वीडियो। दोस्तों हमारे आने वाले वीडियोज का आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। बुलेरो पावर प्लस के टॉप एंड ZXL मॉडल की कीमत है 10,20,000 रुपए ऑन रोड दिल्ली। छोटी TUV के टॉप एंड मॉडल से तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि TUV के लोअर मिड मॉडल यानी कि T6 प्लस में ही टॉप एंड बुलेरो से ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। उसकी कीमत बुलेरो ZLX से 40,000 रुपये महंगी जरूर है, लेकिन उसमें बुलेरो ZLX से 5-7 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, जो है पैसेंजर एयरबैग्स, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, रियर डिफॉगर, रियर पावर सॉकेट, ISO फिक्स पॉइंट्स, इको मोड स्विच और म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटूथ और USB की सुविधा, जो आज भी टॉप एंड बुलेरो में नहीं मिलती है। बड़ी TUV की P4 मॉडल की कीमत है 11,90,000 ऑन रोड दिल्ली, यानी कि वह बुलेरो ZLX से पावर प्लस से 1.5 लाख रुपए महंगी है, लेकिन उसमें स्कॉर्पियो वाला शानदार M-Hawk इंजन मिलता है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। माना कि उसमें बुलेरो ZLX जैसा सेंट्रल लॉकिंग, रियर वाइपर और CD प्लेयर नहीं मिलता, लेकिन यह याद रखना कि ये 2-3 फीचर्स आप बाद में गाड़ी खरीदने के बाद भी लगवा सकते हैं TUV प्लस में, मगर बुलेरो पावर प्लस में M-Hawk इंजन नहीं लगा सकते। तो दोस्तों बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। पिकअप के मामले में बड़ी TUV बाकी दोनों गाड़ियों के कई गुना बेहतर है। उसका इंजन बुलेरो पावर प्लस और छोटी TUV से 700 cc बड़ा है। बड़ी TUV की पावर बुलेरो पावर प्लस से 50 HP ज़्यादा है और टॉर्क 85 Nm ज़्यादा है। ऊपर से वजन में भी कोई खास फर्क नहीं है। नतीजा ये कि बड़ी TUV का पिकअप बुलेरो पावर प्लस से बहुत ही श्रेष्ठ है। ऊपर से बुलेरो पावर प्लस में लो RPM पे बहुत ही कमजोर पिकअप की समस्या है। 1600 किलो की गाड़ी होके सिर्फ 1500 cc का इंजन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं लगता है, और लो RPM पे तो उसका टर्बो चार्जर भी बंद रहता है, जिसका पिकअप बहुत ही बुरी तरह से खराब रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये दोनों गाड़ियां यात्री और सामान से भरी हुई होती हैं, तब तो दोनों में के पिकअप में जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। 0.5 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर माइलेज पाने के लिए इतना घटिया पिकअप वाली गाड़ी लेना हमें सरासर बेवकूफ़ी लगती है। रही बात छोटी TUV की, तो उसका पिकअप बुलेरो से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन बड़ी TUV से काफ़ी बदतर है। उसमें बुलेरो पावर प्लस से 30 HP ज़्यादा पावर है और 45 Nm ज़्यादा टॉर्क है। ऊपर से उसका वजन भी बुलेरो से थोड़ा सा हल्का है, इस वजह से उसका पिकअप बुलेरो से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन उसमें भी टर्बो लैग की समस्या मौजूद है, क्योंकि उसका टर्बो चार्जर 2000 RPM के आसपास घूमने लगता है। इस वजह से शहरी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते वक्त छोटी TUV में सबसे ज़्यादा गियर बदलने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। वैसे तो दोनों गाड़ियां लैडर फ्रेम चेजिज पर बनी हुई हैं, लेकिन बुलेरो बनी है 30 साल पुरानी अर्मदा की चेजिज पर और TUV बनी है सिर्फ 10 साल पुरानी जायलो चेजिज पर। 20 साल में ऑटो इंडस्ट्री कितनी तरक्की कर लेती है, यह दोनों गाड़ियां चलाने पर हमें पता चलता है। TUV की पकड़ और सस्पेंशन कंफर्ट दोनों बुलेरो से बहुत ही बेहतर हैं। मोड़ों पर वह बुलेरो से काफ़ी अच्छी पकड़ और नियंत्रण दर्शाती है, जबकि बुलेरो उससे थोड़ी सी धीमी रफ्तार पर अंडर स्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। इतना ही नहीं, TUV के सस्पेंशन भी बुलेरो से नरम है, इस वजह से वह गड्ढों और स्पीड ब्रेकर को अच्छे से सूख नहीं पाती। खुरदरे रास्तों पर बुलेरो में बैठे यात्रियों को बहुत तेज झटके सहने पड़ते हैं, TUV में उतने तीव्र झटके नहीं लगते। TUV की मूलभूत चीज़ें बुलेरो से कई गुना कड़ी हैं, लेकिन फिर भी बुलेरो से थोड़ी हल्की भी है। चेजिज जितना ज़्यादा कड़ी होती हैं, उतना ही सस्पेंशन नरम रखने की गुंजाइश रहती है, इसलिए TUV का सस्पेंशन कंफर्ट भी बुलेरो से बेहतर है और हैंडलिंग भी। दोस्तों बात करते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। बड़ी TUV की लंबाई बाकी दोनों गाड़ियों से 1.5 फुट ज़्यादा है, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। कहने को तो ये गाड़ियाँ 7, 8, 9 सीटर हैं, लेकिन तीनों की सबसे पिछली सीट्स बिल्कुल घटिया है। उन पर किसी यात्री को बिठाना मतलब काले पानी की सजा सुनाने से कम नहीं है। इससे का पहला कारण है कि वो साइड फेसिंग है, यानी कि दो यात्री आमने सामने बैठने वाले हैं। ऐसा बैठने से दोनों यात्रियों के घुटने एक दूसरे से टकराते हैं, सिवाय बड़ी TUV में, क्योंकि उसमें बाकी दोनों गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा जगह उपलब्ध है।
दूसरी समस्या ये है कि उन पे उल्टी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्या आपको पता है कि घुमावदार रास्तों पर यात्रियों को उल्टी क्यों आती है? गाड़ी में बैठे हुए जब आपका सर कई बार दाएं बाएं डोलता है तो आपके कान के अंदर का द्रव उछलता है और आपको उल्टी आती है। साइड फिटिंग सीट में तो सीधे रास्ते पे जितनी बार ब्रेक लगाओगे उतनी बार यात्रियों के सर दाएं बाएं डोलते हैं। अब सोच लो इससे क्या नुकसान हो सकता है। तीसरी समस्या ये है कि सीट्स बिल्कुल पिछले पहियों के ऊपर स्थित है। नतीजा ये कि गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स पे यात्रियों को तीव्र झटके लगते रहेंगे। चौथी समस्या ये है कि वो ये कि जबरदस्ती अगर आपने इन सीटों पर किसी को बिठा लिया तो गाड़ी में सामान रखने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त जगह नहीं बचती है। इसलिए इन सीट्स को फोल्ड करके वहाँ पर सामान रखना उस जगह का उचित उपयोग है। मिडिल सीट्स की बात की जाए तो बुलेरो का दोनों टीयूवी से छोटा है क्योंकि बुलेरो की चौड़ाई टीयूवी से कम है, इसलिए टीयूवी की मिडिल सीट पर तीन यात्री ज़्यादा आराम से बैठ पाते हैं। रही बात इंटीरियर्स की तो इस मामले में भी टीयूवी के प्लास्टिक और ट्रिम्स की गुणवत्ता और बनावट बुलेरो से साफ साफ बेहतर है। तो दोस्तों अब बात करते हैं माइलेज की। बुलेरो पावर प्लस का ARAI माइलेज है 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर, जो छोटी टीयूवी से 2 किलोमीटर प्रति लीटर कम है और बड़ी टीयूवी से लगभग समान है। दिनादिन इस्तेमाल में आपको बुलेरो पावर प्लस का माइलेज बड़ी टीयूवी से आधा किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर मिलेगा और छोटी टीयूवी से आधा किलोमीटर प्रति लीटर कम, इतना याद रखना। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। महिंद्रा की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जब वह नई गाड़ी बनाते हैं तब उसमें पहले 2 साल तक ढेर सारे बिगाड़ पाए जाते हैं, फिर धीमे धीमे महिंद्रा उसमें आधे से अधिक बिगाड़ सुधारता है, वो भी सिर्फ उन गाड़ियों के जो ज़्यादा बिकती हैं और जिन पर महिंद्रा की रोजी रोटी निर्भर है। टीयूवी ऐसी गाड़ी है इसलिए उसका अधिकतर बिगाड़ महिंद्रा ने नज़रअंदाज कर रखा है। नतीजा ये कि जेडी पावर के जो टिकाऊपन नापने वाले 2 सर्वेक्षण हैं BDS और IQS, उनमें टीयूवी पूरे मार्केट में आखिरी स्थान पर पाई जाती है। यानी कि सर्वेक्षण के 100-150 गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा बिगाड़ टीयूवी में पाए गए। और एक बात याद रखना कि जेडी पावर के बाकी सर्वेक्षण टिकाऊपन नहीं नापते, बाकी सारे सर्वेक्षण सिर्फ ग्राहकों की राय दर्ज करते हैं। सिर्फ 2 सर्वेक्षण टिकाऊपन नापते हैं जो है BDS और IQS। दूसरी ओर है बुलेरो, जिस पर महिंद्रा की रोजी रोटी निर्भर है, फिर भी BDS और IQS में बुलेरो ने जापानीज और कोरियन गाड़ियों से दुगने बिगाड़ पाए गए। लेकिन कम से कम सारी महिंद्रा गाड़ियों में बुलेरो सबसे भरोसेमंद पाई गई। इसी की वजह है बुलेरो की उम्र जो 20 साल से ऊपर हो गई है और उसने 20 सालों में महिंद्रा ने उसके सारे बिगाड़ सुधार दिए हैं। इसका नतीजा आपको सेकंड हैंड मार्केट में दिखाई देता है, जहां बुलेरो टीयूवी से 2-3 लाख रुपए बेहतर कीमत दिलाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की। तो दोस्तों सच बताएं तो अगले 2 महीने में बुलेरो पावर प्लस भी बंद होने वाली है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 से VNVSAP यानी कि भारतीय क्रैश टेस्ट नॉर्म्स लागू होने वाले हैं। अब जाहिर है कि बुलेरो की प्राचीन चेजिस कभी क्रैश टेस्ट पास करने लायक बनी ही नहीं थी। दूसरी ओर टीयूवी के क्रैश टेस्ट में पास होने के हिसाब से विकसित हुई पहली गाड़ी थी, जो उनके प्रमुख अधिकारी मिस्टर पवन जी ने उसके लॉन्च के वक्त घोषित किया था। मतलब सेफ्टी के मामले में भी टीयूवी बुलेरो से कई गुना श्रेष्ठ है। नई बुलेरो आने के बाद इस मौजूदा मॉडल की रीसेल वैल्यू तेजी से गिरने वाली है दोस्तों, यह बात भी याद रखना। तो अगर आपको बुलेरो ही लेनी है तो 2 महीने इंतजार कीजिए और नया मॉडल कैसा है यह देखने के बाद निर्णय लीजिए। अगर आपको 2 महीने रुकना नहीं है तो आज टीयूवी, खासकर बड़े इंजन वाली टीयूवी प्लस, उससे हर पहलू में बेहतर गाड़ी है। 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देकर स्कॉर्पियो वाला ज़बरदस्त इंजन मिल जाता है, जो आपकी अगले 5-7 साल की ड्राइविंग बेहतर मज़ेदार बना देगा। इस वजह से टीयूवी 300 प्लस हमारी इस तुलना की निसंदेह विजेता है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको बुलेरो या टीयूवी की बाकी गाड़ियों के साथ कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें ताकि हमें पता चले कि कौन सी वीडियोज़ की मांग ज़्यादा है। धन्यवाद।